हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में लिटरेचर एंड ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, सेशन कैसा रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, एज यू लाइक इट की स्टोरी कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए नोवियम ऑर्गेनम, या ऑप्शन बी फिलोस्ट्रेटो, या ऑप्शन सी मिनाक्मी, या ऑप्शन डी लॉज रोजलिंड। 57 को रिस्पॉन्स करिए। 57 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन फ्रॉम लॉज रोजलिंडे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी राइट है। ओके, फिफ्टी एट द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ अपीयर्स इन द टेम्पेस्ट इन। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ अपीयर्स इन द टेम्पेस्ट इन। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है वी आर सच स्टफ एज अ ड्रीम्स आर मेड ऑफ, ये टेम्पेस्ट की लाइन है। इन लाइनों को कौन बोलता है? तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इन लाइनों को प्रोस्पेरो बोलता है। किस एक्ट, किस सीन में बोलता है? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 58, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो फ्रेंड्स, इन लाइनों को प्रोस्पेरो बोलता है। एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, इस लाइन को प्रोस्पेरो बोलता है, टेम्पेस्ट में बोलता है, एक्ट फोर सीन फर्स्ट में बोलता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 59, द स्पीच इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज ऑफ ड्यूक ओरसिनो फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट इट अपीयर्स इन। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है If music be the food of love, ए ट्वेल्थ नाइट की ये लाइन है और इस लाइन को ड्यूक ओरसिनो बोलता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है किस एक्ट, किस सीन में बोलता है। ऑप्शन ए एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में बोलता है, या ऑप्शन बी एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में बोलता है, या ऑप्शन सी एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में बोलता है, या फिर ऑप्शन डी एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में बोलता है। रिस्पॉन्स करिए। 59 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 59, फ्रेंड्स 59 की बात करें तो फ्रेंड्स, यहां पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, इस लाइन को डीक वर्सिनो बोलता है, 12th नाइट में बोलता है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में बोलता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके 59 का ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, द स्पीच इट लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ इट अपियर्स इन। फ्रेंड, इस लाइन को मैकबेथ प्ले में मैकबेथ बोलता है, किस एक्ट किस सीन में बोलता है, रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, वी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा, रिस्पॉन्स करिए। 60, लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, इस लाइन को मैकबेथ बोलता है, मैकबेथ प्ले में बोलता है, किस एक्ट किस सीन में बोलता है, रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में बोलता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट हु रोट कॉर्टसी इन शेक्सपियर, कॉर्टसी इन शेक्सपियर किसने लिखा, विक्रम चोपड़ा ने लिखा, रामविलास शर्मा ने लिखा, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य ने लिखा या फिर नन ऑफ दीज। 61 को रिस्पॉन्स करिए, 61 का राइट आंसर क्या होगा। कॉर्टसी इन शेक्सपियर, इस वर्क को किसने लिखा, विक्रम चोपड़ा, रामविलास शर्मा, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य या फिर नन ऑफ दीज। 61 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये जो वर्क है मोहिनी मोहन भट्टाचार्य का है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस आर द प्लेज दैट हैव द हिस्टोरिकल एलिमेंट बट द स्कॉलर्स डू नॉट प्लेस देम इन द कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री दे आर नोन एज। ये प्ले किस नाम से जाने जाते हैं, रोमन प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, कॉमेडीज, लास्ट प्लेस। 62 को रिस्पॉन्स करिए, 62 का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, 62, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, ये कैसे प्लेज हैं ध्यान रखना है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये रोमन प्लेज हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है कौन कौन से रोमन प्लेज हैं, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जितने भी रोमन प्लेज हैं, ये 3 रोमन प्लेज, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, ए लाइफ ऑफ प्लूटार्क पर बेस हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हुज बुक इज शेक्सपियर लाइसेंटीज, शेक्सपियर लेटेंसीज किसकी पुस्तक है, आर डब्ल्यू देसाई, रामविलास शर्मा, के जी पंडित, राजीव वर्मा। 63 को रिस्पॉन्स करिए, 63 का राइट आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। किसकी पुस्तक है ये, शेक्सपियर लेटेंसीज। तो फ्रेंड्स,
आर डब्ल्यू देसाई इज़ द राइट आंसर। ये जो पुस्तक है आर डब्ल्यू देसाई की है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट आर। ये कैसे प्लेज हैं? द वीकर कॉमेडीज हैं, द बोरिंग कॉमेडी हैं, द सीरियस कॉमेडीज हैं, या फिर मैचर कॉमेडीज हैं? रिस्पॉन्स करिए। 64 का राइट आंसर क्या होगा? मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। रिस्पॉन्स करिए। 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है ये मैचर कॉमेडीज हैं। कौन कौन सी कॉमेडीज हैं ध्यान रखना है? मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ये मैचर कॉमेडीज का एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिक्सटी फाइव, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर एंड ट्रॉयलस एंड क्रिशिडा आर द प्लेज। ये किस प्लेज के अंतर्गत आएंगे? द लाइट प्लेज, द मिलोड्रामा, द सॉम्बर प्लेज, द रोमन प्लेज। 65 को रिस्पॉन्स करिए। 65 का राइट आंसर क्या होगा? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर, ट्रायलस एंड क्रेशिडा। ये कैसे प्लेज हैं? लाइट प्लेज हैं, मिलोड्रामा हैं, सॉम्बर प्लेज हैं, या फिर रोमन प्लेज हैं? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 65, 65 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, 65 की बात करें तो ये जो हैं सॉम्बर प्लेज हैं। ओके, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर, ट्रायलस एंड क्रिशिडा, ये कैसे प्लेज हैं? सॉम्बर प्लेज हैं। सॉम्बर प्लेज को ही प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है। ओके, ये सॉम्बर प्लेज भी हैं प्लस प्रॉब्लम प्लेज भी हैं। ओके, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे प्लेज हैं? ये प्रॉब्लम प्लेज हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिक्सटी सिक्स, हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलीफ्लुअस शेक्सपियर। शेक्सपियर जी को मेलीफ्लुअस शेक्सपियर किसने कहा? थॉमस हेवुड ने कहा, अर्नॉल्ड ने कहा, कॉलरिज ने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने कहा? 66 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 66, विलियम शेक्सपियर जी को मेलीफ्लुअस शेक्सपियर किसने कहा? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, थॉमस हे वुड। ये किसका स्टेटमेंट है? थॉमस हे वुड का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 67, इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन, मिल्टन रेपुडेट्स मैरिज, लव, रोमांस, सेक्स। 67 को रिस्पॉन्स करिए। 67 का राइट आंसर क्या होगा? मैरिज होगा, लव होगा, रोमांस होगा, या फिर सेक्स होगा? इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन, मिल्टन रेपुडेट्स मैरिज। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
67 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 68 इन द सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउट सेंट मिल्टन सेलिब्रेट हिज। इस लाइन में मिल्टन जी किसको सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट वाइफ को, सेकेंड वाइफ को, थर्ड वाइफ को, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तीनों वाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। 68 को रिस्पॉन्स करिए। 68 का राइट आंसर क्या होगा? इन द सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउट सेंट। ये सोनेट नंबर 23 के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउट सेंट सोनेट नंबर 23 के नाम से जानी जाती है। मिल्टन ने टोटल 24 सोनेट लिखे। ओके, ध्यान रखना है। 18 सोनेट इंग्लिश में लिखे हैं, 6 सोनेट जो हैं इटालियन फॉर्म में लिखे गए हैं। 6 में से एक जो सोनेट है हेब्रू में मान लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इंग्लिश में कितने सोनेट लिखे? 18 सोनेट लिखे। ओके, इटालियन फॉर्म में कितने सोनेट लिखे? 6 सोनेट लिखे। तो फ्रेंड्स, इस लाइन में मिल्टन जी अपनी सेकेंड वाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंड वाइफ का नाम क्या है? कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल, सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक, थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसुल। ओके, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 69 एल एलिग्रो इल पेंसरेशु आर्केडस कोमस लिशिडास बिलोंग टू। ये वर्ग किस एज से बिलोंग करते हैं? मिलांकोलिक पीरियड, बैस्टोन पीरियड, हार्टन पीरियड, रेनेशा पीरियड। 69 को रिस्पॉन्स करिए। 69 का राइट आंसर क्या होगा? एल एलिग्रो इल पेंसरेशु आर्केडस कोमस लिशिडास किस एज से बिलोंग करेंगे फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हार्टन पीरियड्स। ओके, हार्टन पीरियड्स कब से कब तक है? 1635 से लेकर के 1637 तक। ओके, ध्यान रखना है, ये हार्टन पीरियड्स के वर्क हैं। किसके वर्क हैं? जॉन मिल्टन के। ओके, कोमस आर्केडस क्या है? मास्क है। ओके, एल एलिग्रो इल पेंसरेशो कंपेनियन पोएम है। एल एलिग्रो की मीनिंग होती है हैप्पीफुल मैन, इल पेंसरेशो की मीनिंग होती है थॉटफुल मैन या पेंसिव मैन। ओके, एल एलिग्रो इल पेंसरेशो का जो टाइटल है म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है फ्रेंड्स। ये जो लिशिडास है एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी गई 1637 में। ध्यान रखिए, 1637 में लिखी गई, पब्लिश कब हुई? 1638 में। ध्यान रखना है, लिशिडास जो है हार्टन पीरियड्स की लास्ट पोएम है। ओके, किसकी डेथ पर लिखी गई है? एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। कैसी पोएम है? पेस्टोरल पोएम है, पेस्टोरल एलजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज टास्क नो बॉडी एवर विश्ड इट लॉन्गर। एक इसका स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन, वेन जॉनसन, अर्नॉल्ड, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा?
ये किसका स्टेटमेंट है? वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नो बॉडी एवर विश्ड इट लॉन्गर। फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 71। एनी मेडिवर्जेंस एन एंटी पैरेटिकल्स ट्रैक इज एन अटैक ऑन अ करेक्टर राइटर, मार्टिन हॉल, चौसर, बिशप जोसेफ हॉल या फिर नन ऑफ दीज। 71 को रिस्पॉन्स करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, वी होगा, सी होगा या फिर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बिशप जोसेफ हॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके 72। व्हिच पोएम वाज रिटेन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद कौन सी पोएम लिखी गई? लीच गैदरर लिखी गई, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ लिखी गई, या ऑप्शन सी कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर लिखी गई, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 72 को रिस्पॉन्स करिए, 72 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर पोएम लिखी गई। फ्रेंड्स ये जो है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन की ये पोएम है। ओके सर हेनरी वॉटन जो इंटरमीडिएट में ये पोएम थी। ओके फ्रेंड्स कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, बट यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। लीच गैदरर का सब टाइटल क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इफ सॉलिट्यूड आर फियर आर पेन आर ग्रीफ शुड बी दाई पर्सन, होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। इन लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ जी किसको रिफर कर रहे हैं? एस टी कॉलरिज को, जॉन मिल्टन को, सिस्टर कॉलरिज को या फिर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। 73 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो फ्रेंड्स 73 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके डोरोथी वर्ड्सवर्थ। इस लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपने सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को रिफर करते हैं। ओके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 74 द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, रूथ का अदर टाइटल क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, अर्थ या फिर नेचर एंड पेन। 74 को रिस्पॉन्स करिए, 74 का राइट आंसर क्या होगा? की बात करें तो रुथ का जो अदर टाइटल है सब टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है, ये पोएम 1850 में आती है। ओके 1850 में ये पब्लिश होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर।
माइकल इज ए पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड माइकल, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन। 75 को रिस्पॉन्स करिए। माइकल एक पेस्टोरल पोएम है जो एक पैथेटिक लाइफ को प्रेजेंट करती है। फ्रेंड्स, माइकल के सन का क्या नाम है? ड्यूक, माइकल जूनियर, ल्यूक, इशाबेल। रिस्पॉन्स करिए 75। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है माइकल कैसी पोएम है, पेस्टोरल पोएम है। ये जो पोएम है लिरिकल बैलाड्स में आती है, ओके 1800 में सेकेंड एडिशन में आती है ये, ओके ध्यान रखना है। माइकल की वाइफ का नाम इशाबेल है। माइकल की वाइफ का नाम क्या है? इशाबेल है। इशाबेल की जो आयु है 16 वर्ष की, ओके इशाबेल कितने वर्ष की हैं? 60 वर्ष की, ओके। माइकल की आयु कितनी है? 18 ईयर्स यानी 80 वर्ष, ओके फ्रेंड्स। तो माइकल के बेटे का नाम ल्यूक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ल्यूक इज़ द राइट आंसर, ओके ऑप्शन सी राइट है। ल्यूक की उम्र कितनी है? 1818 वर्ष, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द आइलैंड फेरसीज पब्लिश्ड? आइलैंड फेरसीज कब पब्लिश हुई? 1904, 1917, 1933, 1932। रिस्पॉन्स करिए। 76 का राइट आंसर क्या होगा? 76 की बात करें तो फ्रेंड्स, द आइलैंड फेरसीज इस जॉन गॉल्सवर्दी का फर्स्ट वर्क है जो रियल उनके नाम से आता है, ओके। इसके पहले इतने भी वर्क थे गॉल्सवर्दी के, जॉन सिंजन के नाम से पब्लिश हुए, बट ये फर्स्ट वर्क है गॉल्सवर्दी का जो उनके अपने नाम से आता है। कब आता है? 1904 में आता है, ओके ध्यान रखना है। द आइलैंड फेरसीज क्या है? ये नॉवेल है, ओके। आइलैंड फेरसीज को गॉल्सवर्दी जी प्ले में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। द पिजन, द पिजन में कन्वर्ट कर देते हैं। द पिजन नाम का वर्क कब आता है? 1912 में आता है। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, द आइलैंड फेरसीज फर्स्ट वर्क है जो गॉल्सवर्दी के अपने रियल नाम से आता है, 1904 में आता है, ये नॉवेल है, ओके फ्रेंड्स। फिर इसी वर्क को गॉल्सवर्दी जी प्ले में इसको तब्दील कर देते हैं 1912 में। उस प्ले का नाम है द पिजन, ओके फ्रेंड्स। 1904 में गॉल्सवर्दी के पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ओके। गॉल्सवर्दी के पिताजी की मृत्यु, डेथ 1904 में ही होती है, ओके फ्रेंड्स। में गॉल्सवर्दी जी को नोबेल प्राइज मिलता है। 1932 में गॉल्सवर्दी जी को क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है, फर्स्ट ट्रायलॉजी के लिए मिलता है। फर्स्ट ट्रायलॉजी में जो वर्क है द फोरसाइट सागा, फोरसाइट सागा के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है 1932 में। 1933 में गॉल्सवर्दी की मृत्यु हो जाती है 31 जनवरी, ध्यान रखना 31 जनवरी 1933 को गॉल्सवर्दी की मृत्यु हो जाती है, ओके ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1917 में कौन सी घटना घटती है। नेक्स्ट,
77। द सिल्वर बॉक्स इज टू एक्ट कॉमेडी, थ्री एक्ट कॉमेडी, थ्री एक्ट ट्रेजडी, टू एक्ट ट्रेजडी। 77 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो सिल्वर बॉक्स गर्ल्स वर्दी का ये फर्स्ट प्ले है, फर्स्ट प्ले बाई गर्ल्स वर्दी। कब आता है? 1906 में आता है। ओके, 1906 में आता है। क्या है ये? ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्री एक्ट कॉमेडी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, द सिल्वर बॉक्स गर्ल्स वर्दी का फर्स्ट प्ले है, 1906 में आता है, थ्री एक्ट कॉमेडी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 78। व्हाट इज गर्ल्स वर्दीज द पैट्रिशियन? गर्ल्स वर्दीज का जो वर्क है द पैट्रिशियन, ये क्या है? नॉवेल है, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, या फिर इंटरलूड है? 78 को रिस्पॉन्स करिए। 78 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। सेवेंटी एट की बात करें, द पैट्रिशियन जो वर्क है ये गर्ल्स वर्दी जी का वर्क है। क्या है ये? प्ले है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना, पी फॉर पैट्रिशियन, पी फॉर प्ले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ गर्ल्स वर्दीज कलेक्शन ऑफ एशे? गर्ल्स वर्दी की कलेक्शन ऑफ एशे का क्या नाम है, क्या टाइटल है? ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ एशे, या ऑप्शन बी कलेक्शन, या ऑप्शन सी द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, या ऑप्शन डी द एवेंचर्स। 79 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा गया था। फ्रेंड्स, इसको आप रिस्पॉन्स करिए। गर्ल्स वर्दी की कलेक्शन ऑफ एशे का क्या टाइटल है? तो फ्रेंड्स, नन अदर देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द प्ले जस्टिस एंड लॉयल्टीज आर नोन फॉर दियर डैश कॉम्पिटेंस एंड ह्यूमने फीलिंग। रिस्पॉन्स करिए। यहाँ ब्लैक स्पेस में क्या आएगा? रिस्पॉन्स करिए। मैकेनिकल आएगा, टेक्निकल आएगा, म्यूजिकल आएगा, मैग्नेटिक आएगा, क्या फिलअप किया जाएगा? द प्ले जस्टिस एंड लॉयल्टीज, जस्टिस प्ले एंड लॉयल्टीज प्ले, ये जाने जाते हैं अपनी मैकेनिकल के लिए, टेक्निकल के लिए, म्यूजिकल के लिए, या फिर मैग्नेटिक के लिए। फ्रेंड्स, ये न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस जो वर्क है, ध्यान रखना, ये 1910 में आता है। ओके, लॉयल्टीज 1922 में आता है, लेटर ड्रामा है गर्ल्स वर्दी जी का। जस्टिस एंड लॉयल्टीज जो हैं अपनी टेक्निकल के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 81। क्वालिटी इज अ स्टोरी अबाउट, गर्ल्स वर्दी जी का जो वर्क है क्वालिटी, किसके विषय में स्टोरी है? स्वीट मेकर, शू मेकर, ब्रेड मेकर, केक मेकर। 81 को रिस्पॉन्स करिए। 81 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, क्वालिटी में जो स्टोरी है शू मेकर की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शू मेकर की दुकान को गेसलर ब्रदर के नाम से जाना जाता है। ओके, गेसलर ब्रदर, ध्यान रखिएगा। गेसलर ब्रदर की मृत्यु स्लो स्टारवेशन से हो जाती है, ध्यान रखिएगा।
धीरे धीरे भुखमरी से मृत्यु हो जाती है। किसकी? गेसलर ब्रदर की। इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जॉन स्टील्स। फ्रेंड्स, प्ले सिल्वर बॉक्स में जॉन स्टील्स, जॉन क्या चुराता है? पर्स चुराता है, आ सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराता है, गोल्ड वॉच चुराता है, या फिर अ बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का एक बंडल चुरा लेता है। रिस्पॉन्स के लिए 82 का राइट आंसर क्या होगा? एट्टी टू की बात करें फ्रेंड्स, तो गर्ल्स वर्दी का फर्स्ट प्ले है ये, जो 1906 में आता है। ये थ्री एक्ट कॉमेडी है। ओके, जॉन अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स को चुरा लेता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एट्टी थ्री, द बेल्स ऑफ पीस इज आ, द बेल्स ऑफ पीस इज आ वर्क ऑफ गार्ल्स वर्दी। गार्ल्स वर्दी जी का वर्क है द बेल्स ऑफ पीस। ये क्या है? पोएटिक है, ड्रामेटिक है, एपिक है, ग्रेट ट्रेजेडी है। फ्रेंड, इसका जॉनरा बताना है, क्या है ये? पोएटिक, ड्रामेटिक, एपिक, ग्रेट ट्रेजेडी। 83 को रिस्पॉन्स करिए। एट्टी थ्री की बात करें तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द बेल्स ऑफ पीस, ये गार्ल्स वर्दी जी का वर्क है। कैसा वर्क है? पोएटिक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एट्टी फोर, इन द प्ले जस्टिस व्हिच करेक्टर सेड जस्टिस इज अ मशीन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए आप लोग रिस्पॉन्स करिए। 84 का राइट आंसर क्या होगा? इन द प्ले जस्टिस व्हिच करेक्टर सेड जस्टिस, प्ले में कौन सा करेक्टर बोलता है कि जस्टिस इज अ मशीन? मिस्टर फ्रोम, कुक्शन, फाल्डर, रुथ। 84 को रिस्पॉन्स करिए। 84 जस्टिस प्ले में ही म्यूट सीन अपीयर्स होती है, एक्ट थ्री सीन थ्री में, ध्यान रखना। जस्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस प्ले में म्यूट सीन अपीयर्स होती है, तो फ्रेंड्स नन अदर देन जस्टिस। जस्टिस प्ले में ही म्यूट सीन अपीयर्स होती है, एक्ट थ्री सीन थ्री में। जस्टिस इज अ मशीन कौन बोलता है? मिस्टर फ्रॉम बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 85 आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिकमेंडेशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? रिकमेंडेशन, ऑप्शन ए होगा, वी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 85, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन की बात करें तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आर ई री सी ओ डबल एम ई एन। ओके, रिकमेंडेशन, डी ए टी आई ओ एन, लास्ट में डी ए टी आई ओ एन होगा, देख लीजिए। ऑप्शन ए में है, वी में नहीं है, तो वी ऑप्शन हट जाएगा, डबल एम आएगा। रिकमेंडेशन, आर ई सी ओ डबल एम ए एन नहीं बल्कि ई एन आएगा, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए भी नहीं होगा। आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी ए टी आई ओ एन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रिकमेंडेशन, आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी ए टी आई ओ एन, ऑप्शन सी, ध्यान रखना है, डबल एम आएगा, लास्ट में टी ए आई एन आएगा। ओके, कमेंडेशन, डी ए टी आई ओ एन। नेक्स्ट,
अप हीवल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? अप हीवल। रिस्पॉन्स करिए, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। 86, अप हीवल। अप हीवल की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यूपी अप HEAVAL, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 87, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अपाल्ड की राइट स्पेलिंग क्या होगी? अपाल्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 87 को रिस्पॉन्स करिए, अपाल्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, अपाल्ड में APPA, अप्पा, APPA, अप्पा, फिर क्या करना है, LL, फिर लास्ट में हो जाएगा ED, अपाल्ड। ओके, मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अपाल्ड में APPA, अप्पा, LLED, अपाल्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 88, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी मीन्स होता है अस्थिरता, अस्थिरता, तो राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, CON, कन, SIS, कंसिस्टेंसी, TEN, CY, लास्ट में CY आएगा, तो ऑप्शन डी, डी में SY है नहीं होगा, ऑप्शन ए में SY है नहीं होगा, CON, SIS, कंसिस्टेंसी, TEN, CY, CON, SIS, TEN, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, मिसलेनियस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 89, मिसलेनियस। मिसलेनियस की स्पेलिंग की बात करें तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान दीजिए, MIS, मिस, फिर CELLA, NEOUS, MIS, CELLA, NEOUS, मिसलेनियस। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो कॉन्कोमिटेंट, CONCO, कॉन्को प्लस क्या कर देना, मिटेंट, MITANT। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।